करके आप आहिस्ता 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 इस तरह डालिएगा। ये देखिए ये एकदम इसमें ये ऑमलेट रेडी होने लगा क्योंकि हमारा बॉयल बेहतरीन सा रेडी हो रहा है हमारा सूप। ठीक है, और इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शहज़ और ये हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे किचन में बेहतरीन सी रेसिपी होने वाली है। शहज क्या हो रहा है आज हमारे किचन में? आज हमारे किचन में चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप बन रहा है। तो आपको पता है कि जैसे आज थंबनेल पे भी देख लिया होगा आपने कि बेहतरीन सी एक हेल्दी एक सूप बनने वाला है हमारे यहाँ। और अपना टाइम बचाते हैं, शायद से पूछते हैं कि शायद इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, जल्दी से बताइए। मैंने 250 ग्राम मैंने चिकन लिए, ठीक, और हड्डियां भी होनी चाहिए इसमें ताकि उसमें सूप आता है इसका सही। तो ये मैंने मटर लिए थोड़े से, ठीक, थोड़े से मैंने शिमला मिर्च लिए, थोड़ी सी गाजर लिए, थोड़े से कॉर्न लिए, और ये मैंने हरी मिर्चें जो छोटी वाली होती है उनको काट के सिरके में सही है आपने डाल दिया। और ये मैंने जैसे कि शिकायत है लोगों को कि मैं सूप हमारा गर्म करने पे पतला हो जाता है, हो जाता जी है। हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 टेबल स्पून मैदा लिया और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया। ये टेप है, ये टेप है। ये आप जिस भी सूप में डालेंगे तो वो आपका फिर बाद में भी आप गर्म करेंगे तो वैसे ही पानी जैसा नहीं होगा, पानी जैसा नहीं होगा। और ये 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है, नमक 1 टेबल स्पून लिया है, और एक दालचीनी का पीस लिया है मैंने, और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब आपको बता दें कि क्या करना है, ठीक। पहले ऑयल लिया थोड़ा सा 1 चम्मच, और फिर मैं अदरक लहसुन डालूंगी, और फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा इसका पानी निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको 1 से 2 मिनट तक अप डाउन करना है जी। नमक और वो दीजिएगा दालचीनी। चलिए चलिए, आपकी आ गई नमक और दालचीनी आ गई है, ये थोड़ा सा मैं कर लूँ तो फिर मैं देखिए एक बार, ये मैंने थोड़ा सा कर लिया इसके अंदर, 1 मिनट किया बस, 1 मिनट किया है, उसके बाद फिर मैं नमक और दालचीनी का पेस्ट डालूंगी इसके अंदर। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी होती है सर जी। अच्छा, आप कितनी देर बाद ये हमारी वेजिटेबल्स आएंगी? बस 2 मिनट बाद जी, 1 से 1.5 मिनट में कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाए, नमक मैंने इसलिए डाल दिया कि अंदर बिल्कुल अच्छे से इसमें बिल्कुल वो हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद व्यूअर्स हम पैन पानी देगा। अच्छा, जो हम इसका पानी कितना यूज करेंगे? ये हम ये 4 लीटर, हाँ 4 कप डालेंगे इसके अंदर हम पानी, यानी 1 लीटर आप डाल, ठीक है ना। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसमें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। अभी 4 कप यानी डाल देंगे, उसके बाद फिर हम ये अपनी सारी वेजिटेबल डालेंगे, ये देखिए सारी कॉर्न भी डाल देंगे इसी के अंदर, बहुत हेल्दी हो जाएगी ये तो रेसिपी है शेफ जी, और बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत सभी लेंगे तो, हाँ ठीक है। और ब्लैक पेपर भी देंगे, ये ब्लैक पेपर भी इसके साथ ही देंगे, ये भी हम इसी में डाल देंगे इसी टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन कितनी देर इसको 15 मिनट इसको पका लेंगे ताकि सब चीजें यकजान हो जाए, यकजान हो जाए। और इसमें जो हमारी बोटी वगैरह वो तो वैसी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन ये अखनी जरा बन जाएगी तो जरा जानदार अखनी बन जाएगी, सर्दियों में आपको पता है ना कि जरा सी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है आपको, और ये देंगे आप बच्चों को तो बच्चे भेजते हैं खुश हो, बहुत खुश हो। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये 10-15 मिनट के लिए रख दिया ताकि अखनी का जूस बहुत अच्छी तरह से अच्छे से हो जाए सारी सब्जियां, ठीक। अच्छा, इसमें से हमें चिकन निकालना है जी, चिकन हमें सेपरेट कर लेना है इसमें से, ठीक, इस तरह करके, ठीक। आपको मैं आपको निकाल देता हूँ, आपको ये हमारी इसमें से चिकन निकल आएगी, बहुत रेशा हो गई है हमारी चिकन, हम आपको पूरी चिकन निकाल के अभी बताते हैं, बस सही है, इसको निकालना है शायद, देखें व्यूवर जी, हमने एक ऑमलेट और बॉयल ऑमलेट अंडा लिया है और इसको हमने इस तरह करा है,
आप इसके फोर पीस करने हैं इसके। हाँ, फोर पीस करने हैं। चलिए, इसके फोर पीस टाइप का स्टाइल करना है तो ये जरा सूप में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप वैसे लेना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बॉइल होना शुरू हो गया, ये बॉइलिंग पे आ चुका है। बॉइलिंग कंडीशन पे फिर हमें ये करना है जो हमने बना के रखा था, जो पेस्ट बनाया था। जी हुसैन, आप जरा मैं हल्के हल्के डाल लूं, जितना ठीक है टेस्ट और अकॉर्डिंग डालना होगा वो हम रोक देंगे फिर इस पे। देखिए थोड़ा सा चलाते रहे। अच्छा, बिल्कुल स्लो स्लो डालते रहते हैं जी, और चम्मच चलाते रहते हैं। हाँ, उससे ये होता है कि एकदम ठीक होना शुरू हो जाता है, एकदम बिल्कुल एक साथ नहीं डालना होता है। ये इसकी टिप है शेफ जी। अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं जो हमने रेशे वगैरह अलग किए हैं, और जो हमने दो बॉयल अंडे लिए थे वो भी अभी आपको दिखाएंगे हम आपको। था ना शेफ जी, बिल्कुल परफेक्ट है ये जी। हाँ, और अभी जितना इसका वाटरी है ये तो अभी ड्राई होगा तो और ठीक हो जाएगा है जी। ये देखिए, ये ठीक हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा, मैं व्यूवर्स को वो दिखाता हूँ, आप दिखाएं। ये देखें, ये हमने व्यूवर्स ये देखें, ये जो हमने इसमें से चिकन ली थी, इसको चिकन के रेशे कर लिए, दो बॉयल अंडे लिए हमने, और ये वही सिरका और इसकी ग्रीन चिली है। ठीक, इसके अंदर बारीक बारीक करके चॉप करके इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। बाकी हम आपको दिखाते हैं करना क्या है। बिल्कुल हमारा रेडी पे है, हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, इसने एक अंडा लिया है, क्या कहते हैं उसको, कच्चा, उसको शायद अभी करके दिखाएंगे इसको आप जी। बल्कि अभी डालना है थोड़ी देर में? नहीं, बस अब डालना है। अच्छा, तैयार है हमारा। अच्छा, देखें एक इन्होंने एक कच्चा अंडा लिया है, अच्छा सा रेशा आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, और इसका एक बड़ा ही प्यारा लुक आता है, ये देखें आप। स्पून चलाएंगे, मैं हल्के हल्के डालूंगी, इसको भी अच्छा ही हल्के हल्के से डालना है। इसकी भी एक टेक्निक होती है, बिल्कुल स्लो स्लो डालेंगी शेफ। इन्होंने इसको बीट कर लिया है, डालें शेफ जी। थोड़ी सी बॉइल आ जाए, देखिए डाल, इसको ऐसे गोल गोल करके आप आहिस्ता 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 इस तरह डालिएगा। ये देखें, ये एकदम इसमें ये ऑमलेट रेडी होने लगा, क्योंकि हमारा बॉइल मानी इसमें हमारा जो था सूप बिल्कुल रेडी था। और जब ये हमारा पूरा तैयार हो गया, दिखाइएगा, बिल्कुल रेडी हमारा सूप, हमारा सूप तैयार हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है इसको, अभी हम आपको डिश आउट करते हुए दिखाते हैं इसको। परफेक्ट, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है जी, इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आने लगती है। अच्छा, मुझे ये बताना था कि जब आप लोग पानी डालेंगे ना इसके अंदर, तो जी, नमक अगर आप लोगों को कम लगे तो टेस्ट अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसके अंदर चेक कर सकते हैं, चेक करके अपने हिसाब से डालिए। लेकिन जो आपने डाला है तकरीबन 1 लीटर में सही नहीं, थोड़ा कम हो जाता है जब हम पानी डालते हैं ना, तो फिर फाइनली हमें चेक कर लेना चाहिए थोड़ा सा पानी में भी। वेरी नाइस, और टेस्ट तो हमें पता ही है जी। तो व्यूअर्स, आपको हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। जी, देखिए व्यूअर्स, ये रेडी हो गया, बेहतरीन रेडी हो गया है भाई, परफेक्ट है शेज जी। हाँ, चले इसमें डाल के देखें है शेज जी। ये तो बस समझ लें कि शेज बेहतरीन, इसको हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा सूप है। ये तो फुल हेल्दी सूप है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मतलब एवरीवन, हर आदमी इसको यूज कर सकता है जी, छोटा बड़े बुजुर्ग, क्योंकि हर एक को एनर्जी चाहिए। फिर वो पर आप जी चीजें डालेंगे, ठीक है। ये हमारा थंबनेल के लिए आ गया, इसको हम गार्निश करेंगे शायद, ठीक है शायद। व्यूअर जी, हमारा रेडी हो गया। अच्छा, आपसे एक बात करना थी शायद, हमने जो सूप डाला था पहले भी पापड़ी वाला जी, जी, तो वो भी बहुत ही जबरदस्त था, तो उसका लिंक डाल दें इस वीडियो में। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक हमने पहले सूप बनाया था, वो हमारा चिकन सूप था, ये चिकन और वेजिटेबल के साथ कॉर्न सूप है, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको गार्निश करते हैं हम लोग, देखें व्यूअर्स, ये हमारा ये आ गया। अच्छा, इसको आपने अपने हसब जरूरत आप जितना चाहें इसमें डाल सकती हैं आप, और इसमें आप जो इसमें डालना चाहें ये आपके हिसाब से है कि आपको क्या डालना है। अच्छा, इसको बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बाउल में रख के डालते हैं, लेकिन हमारी आदत बहुत खराब है, हम इसको डायरेक्ट डालते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसको जो है ना, क्या कहते हैं, एक अलग प्याली में करके डालते हैं, वो भी अच्छा रहता है, ये भी अच्छा है। अच्छा, आपको मिर्चों वाला लेना है तो विनीगर इसमें से डाल लें, सादा अगर आपको लेना है, बच्चों को नहीं लेना लेकिन ये डालें, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, बच्चों को अगर देना हो तो शायद ये भी देना है, वो भी बच्चे पसंद करते हैं क्योंकि जी ज्यादा। अच्छा, स्पाइसी नहीं होता बस जी। ये हमारा
बेहतरीन सा रेडी हो रहा है हमारा सूप, ठीक है। और इसमें हम ये वाला डाल देते हैं अभी, ठीक है, ताकि हमारी ग्रीन चिल्ली का कोई उसमें ऑप्शन ना है। ये देखें बस थोड़ा सा डालें, वो वाला डाल लें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर पहुंचा दें, इसका भी डाल देते हैं। अब ट्राई इसलिए नहीं करेंगे कि सर, तो व्यूअर आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आज की जी, इसके बारे में आप हमें बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही यमी हेल्दी और जबरदस्त सूप हो गया है सर्दियों का, जो हमने आपको एक और तोहफा दे दिया, एक हम पहले दे चुके थे जी। तो शायद इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर के साथ जुड़े रहें करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज और आपको टेस्ट देते रहेंगे जी, इसमें बहुत सारी आपको और मजीद। अच्छा शेज, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी मुझसे कि वो एक पंजों का सूप होता है चिकन के, जी वो भी हम आपको, वो भी बहुत ताकतवर होता है, हम वो भी देंगे। और एक अखनी के नाम से आता है, वो भी हम आपको, वो भी हम आपको बहुत जल्द देंगे। अच्छा व्यूवर्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो इसके बारे में लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करें। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।